मध्य प्रदेश विधानसभा से पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो हटाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा दी गई है। नेहरू की फोटो हटाने पर कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो के साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो भी लगाई जा सकती थी। जिन लोगों ने भी देश की आज़ादी के लिए कुछ किया है, कहीं भी बलिदान दिया है, उनकी फोटो लगानी चाहिए, लेकिन किसी की फोटो को हटाना गलत है। विधानसभा से जवाहरलाल नेहरू की फोटो हटाने को लेकर राघोगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की भारत के निर्माण में बहुत अहम भूमिका रही है। दो देश एक साथ आज़ाद हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के मुख्यमंत्री जिन्ना कुछ ही समय बाद हट गए और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे और देश को मजबूत नींव दी। सिंह ने इसका विरोध किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हमारे देश के निर्माण में बहुत अहम भूमिका रही है। हम एक बात को याद रखें कि दो देश साथ साथ आज़ाद हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान जहां जिन्ना जी प्रधानमंत्री बने थे पहले, वो तो सीधा 10 साल बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी और आज पूरा पाकिस्तान आतंक में लिप्त है। लेकिन हिंदुस्तान और भारत जहां पंडित नेहरू जी को लगभग 17 वर्ष के आसपास मिले थे प्रधानमंत्री के रूप में, आज पूरे विश्व में, भारत में अगर नींव है लोकतंत्र की तो वो पंडित नेहरू जी की देन है। और अगर भाजपा सरकार के द्वारा या जिसके भी माध्यम से ऐसा है कि ये कदम उठाया गया है जहां विधानसभा के सदन में से ही पंडित नेहरू जी की जो तस्वीर है वो गायब की गई है, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं मानता हूं चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित नेहरू जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर साहब हो, सब की अहम भूमिका रही है हमारे देश के संविधान में और हमारे देश के लोकतंत्र में। और अगर उनमें से किसी का भी ऐसा अपमान किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं विशेष आग्रह करूंगा प्रोटेम स्पीकर साहब से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, कि ऐसे हल्की राजनीति ना करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में और देश में एक गलत संदेश जा रहा है। पृथ्वीपुर से कांग्रेस विधायक नितेंद्र राठौर ने कहा कि विधानसभा में नेहरू जी की तस्वीर हटाई है, ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि नेहरू जी का ये योगदान, उसको भुलाए जाने की कोशिश की गई है। महात्मा गांधी का अपना योगदान है, डॉक्टर अंबेडकर का अपना योगदान है। अगर दोनों के साथ अंबेडकर की फोटो लगाते तो अच्छा रहता। देखिए, मुझे अभी हाल आप ही लोगों से जानकारी ये लग रही है, यदि ऐसा है तो ये गलत है। मेरा मानना है कि नेहरू जी का अपना योगदान है, महात्मा गांधी जी का अपना योगदान है, और मैं कहता हूँ कि गांधी जी और नेहरू जी की तस्वीर है, उनके साथ अंबेडकर जी की भी लगा देते तो ये और अच्छा संदेश इससे जाता। तो मुझे लगता है कि इसमें परिवर्तन इसमें करना चाहिए। विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि बीजेपी की सोच है कि किसी नेता की फोटो जिसने देश के लिए बलिदान दिया है हटा देने से वो दिलों से हट जाएगा, ये उनका भ्रम है। जिसने भी देश के लिए बलिदान दिया है उन सब की फोटो लगा देनी चाहिए, किसी की फोटो हटानी नहीं चाहिए। और नेहरू जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया है और इस देश को खड़ा किया। देखिए, ये भाजपा की एक सोच है कि किसी महान नेता को जिसने बलिदान दिया हो पूरे देश के लिए, आजादी में उसका जबरदस्त योगदान रहा हो, उसकी अगर प्रतिमा हटाते हैं और ये सोचते हैं फोटो हटाने से उनको दिल से मिटा देंगे या लोगों की आदर्श से खत्म कर देंगे, तो ये उनका बहुत बड़ा धोखा है और बहुत बड़ी गलतफहमी में है। देखिए, निश्चित तौर पर इसके बारे में चर्चा भी होगी और हमारा ये कहना है कि जिन लोगों ने भी देश के लिए कुर्बानी दी है उन सबके फोटो लगाओ, सबको सम्मान दो। ऐसा नहीं है कि अगर एक जन का सम्मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का कम कर देंगे, और ये भाजपा की गलत सोच है और गलत नीति है कि इस तरह के ये चीजें बस नाम बदलने का, फोटो बदलने का काम कर रहे हैं। करना है तो विकास का काम करो, लोगों को रोजगार दो, जो घोषणाएं करी उनको पूरा करो, पीएससी की भर्तियां खाली पड़ी उनको पूरा एग्जाम करवाओ। ठीक है, अंबेडकर जी की बिल्कुल लगना चाहिए। देखिए, सबसे बात होगी और इस चीज को हम बिल्कुल सदन में भी रखें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।